पंजाब अंदर होने जा रही विधानसभा दीआं चोणां नूं महज कुछ ही महीने बाकी ने, पर इन्हां चोणां तों पहलां ही फगवाड़ा तों श्रोमणी अकाली दल बादल दे वर्करां विच दरार पैणी शुरू हो चुकी है, जिसका पार्टी नूं चोणां विच भारी नुकसान झेलना पै सकदा है। जिक्रयोग है कि पार्टी हाईकमांड वल्लों बनाई गई 4 मैंबरी कमेटी विच जरनैल सिंह वाहद, स्वर्ण सिंह कुलार, रणजीत सिंह खुराना ते फिलौर विधायक बलदेव खहरा शामिल हन। पर उक्त कमेटी के गठन तो बाद फगवाड़ा दे विच उस समय एक वड्डा सियासी विस्फोट होया जदों फगवाड़ा तो पार्टी के सीनियर नेतावां ने अपने अपने इस्तीफे पार्टी के हाईकमांड नूं भेज दिते, जिस तो बाद अकाली दल के सीनियर मैंबरां की एक हंगामी मीटिंग पार्टी वालों लगाए गए ऑबजरवर विधायक बलदेव खहरा की प्रधानगी हेठ हुई। मीटिंग दौरान जिथे इस मसले नूं गंभीरता नाल लैंदे हुए विधायक बलदेव खहरा ने अहुदेदारां दे नाल विचार चर्चा की, उत्थे बलदेव सिंह खहरा ने फगवाड़ा विच अकाली दल दे विच पई फुट ते पर्दा पाउंदे हुए नजरी आए। उन्होंने कहा कि पार्टी एकजुट है ते आने वाली चोणां विच एकजुट होकर पंजाब विचों कांग्रेस पार्टी का सफाया करेगी। इदां दी कोई गल नजर नहीं दी, इसे करके मीडिया नूं बुलाया गया इत्थे। इदां दी तां कोई मैसेज तां ही है, मैसेज तां ही है, मैसेज तां ही है। लैटर दे विच साफ तौर ते लिखिया गया वा भई 12 बजे दा टाइम है, अस्तीफे देणगे अकाली वर्कर। तुहानूं फेर कहा जी मेन दा लैटर दा पता ही खहरा साहब मीडिया नूं बुलाई इस करके सी, हुण तुहाडी अंदर मीटिंग होई की गलबात होई। धन्नवाद जी मीडिया वालिआं दा, तुसीं आए हो, पर तुहाडे माध्यम राहीं मैं सारे फगवाड़ा वासियां नूं पंजाब वासियां नूं वी इह कहिणा चाहुंदा वी जिहड़ी 4.5 साल तों झूठ दे जिहड़ी नीं रख के कैप्टन अमरिंदर सिंह दी सरकार बणी है, जिहदे विच जिन्ने उहनां ने वादे कीते आ उह जिहड़े नहीं पूरे होए, जां जिहड़ा इक प्रशांत किशोर दी स्ट्रैटजी दे तहत फेल मुख्यमंत्री नूं जिहड़ा हैगा उहनूं कामयाब दसण दे लई नवजोत सिद्ध नूं अगे लै के आंदा है। मैं तुहाडे माध्यम राहीं इही जिहड़ा मैसेज देना चाहुंदा वी इहनां तों बचो, ते आउण वाले टाइम दे विच श्रोमणी अकाली दल ते बहुजन समाज पार्टी दा जिहड़ा गठजोड़ उहनूं वोटां पा के कामयाब। खहरा साहब 15-20 वोट तक दा आपां तां ही लगा सकदे आ ना जी, जे पहलां अकाली आगू आपस दे विच फगवाड़ा तों इकट्ठ अपना नजर दिखाणगे। इत्थों तां चिट्ठियां जा रहीआं, उत्थे मीडिया मीडिया कोल पहुंच चुकीआं, इकट्ठ वी होऊगा। 29 तरीक दी बहुजन समाज पार्टी ने रैली रखी है, उहदे विच इकट्ठ वी तुसीं देखोगे, ते जिहड़ी बहुजन समाज पार्टी दे श्रोमणी अकाली दल दी पूरी लीडरशिप है, इह वी जिहड़ी तगड़ी हो के जिहड़ी इह जिहड़ी विधान सभा हलका फगवाड़ा दी सीट है उहनूं जितूगी। खहरा साहब इह गल ते क्लीयर कर, आपसी गुटबाजी उह किते उस तरीके से मैं जिन्ना देखदे आ, कोई गुटबाजी बाजी नहीं है। माड़े मोटे मतभेद जिहड़े उह परिवारां च वी हुंदे आ, दो भरावां दे विच वी हुंदे आ, इलेक्शन है ओहदे विच कांग्रेस दा सफाया किद्दां करना, पंजाब दे मीटिंग दा एजेंडा ओह सी। ओदू बाद पार्टी हाईकमांड वालों गठित की इस कमेटी नूं लैके पार्टी नेतावां विच इस कदर गुस्सा कि उन्होंने चल रही मीटिंग दे विच अपना गुस्सा जाहिर कर दिता। अकाली दल दे देहाती प्रधान रजिंदर सिंह चंदी ने कहा कि गठित की इस कमेटी के विरोध च उन्होंने पार्टी हाईकमांड नूं अपने अस्तीफे भेज दिते हैं। उन्होंने कहा कि वह हलका इंचार्ज अधीन ही काम करना चाहते हैं, पर पार्टी ने इस कमेटी विच कुछ नेतावां नूं जिम्मेवारी दे के पार्टी का ही नुकसान कर दिता है। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਜਥੇਦਾਰ ਸਰਪੰਚ ਸਿੰਘ ਕਲਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਾਇਨ ਆਪਣੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉੱਪਰੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੈਗਾ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਆ ਕਿ ਇਹ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਆ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। चंडीगढ़ खबरनामा लई फगवाड़ा तो गगन भट्टी की रिपोर्ट।